हे गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्करर पुश के बारे में, क्योंकि कॉन्करर पुश करना बहुत ही जरूरी है यार। और इस सीजन में ना कॉन्करर पुश करना बहुत ही आसान हो गया है, तो चलो वीडियो को शुरुआत करते। सो गाइस, आप लोग भी जब भी खेलना स्टार्ट करते तो ना, मतलब रैंक पुश करना चालू करते तो ना, तो उससे पहले आप लोग एक चीज़ जानना होगी कि आप लोग जब भी स्क्वाड पुश करो ना, तो जिस बंदे से मतलब अपनी पूरी स्क्वाड है ना, उसमें से जिस भी बंदे का टेरर या उसकी केडी कम हो ना, उसको अब लोकल लीडर करना होगा और उसके साथ खेलना होगा। और उसके साथ खेलोगे तो लॉबी थोड़ी हल्की आएगी, इससे आप लोगों को खेलने के लिए थोड़ा आसान होगा। और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कहाँ कहाँ उतरना है। आप लोगों बेसिकली ना बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जो अपने हाउस है ना, जैसे कि पूछेंगी या स्ना पोलाना, इस चीज़ पर नहीं उतरना। आप लोगों को दो दो हाउस या तीन तीन हाउस, जैसे कि ये हो गया, ये ठिकान हो गया, ये देखो, इधर इधर उतरना, जिससे आप लोगों को ना एक या दो स्क्वाड आएगी, एक ही मतलब एक ही स्क्वाड आएगी, ज़्यादातर इधर आते ही नहीं, लेकिन आएगी ना तो आप लोगों को मारने के लिए भी आसानी होगा, जिससे आप लोग को किल भी मिलेंगी और आप सेफ में भी रहोगे। और गाइज, ये अपना जो अपडेट है ना, उसके उससे ना आप लोगों को कॉन्करर पुश करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस अपडेट में ना आप लोगों को एक तो रिकॉयल अपने आप हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग इधर उधर उतर जाओगे ना, तो आप लोगों को ना अपना लोग जो ड्रैगन बॉल विलेज सिटी है ना, उससे उसके सामने से चुके उसको मतलब उसके आगे से जाने का, अगर उसको टच भी कर दिया ना, तो आप लोगों को रिस्पॉन कार्ड अपने आप आ जाएगा, उसे मतलब सावधानी से उधर से जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पेटी फिक्स है और आप लोग मुझे भी गाली भर दोगे। इसलिए पहले उधर से पहले साइड में उतरो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लूट करके उधर से जाओ, तो आप लोगों को रिस्पॉन कार्ड मिलेगा, उससे आप लोग ना रिस्पॉन होके आप लोगों का एक चांस और बैठेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जब भी खेलते हो ना, तो आप लोग ड्रैगन्स बॉल को बुलाना चाहते हो ना, तो उसको ड्रैगन को बुलाने से पहले आप लोग क्या करो, दो बंदे पहले स्मोक तो करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग बुला सकते हो, लेकिन एक बंदा साइड में रखो, दूसरी जगह रखो, ताकि आप लोग मरोगे ना तो भी उसको रिकॉल करने के लिए वो आ सकता है। अगर आप लोग मरोगे भी ना तो भी उसको देखना, क्योंकि उसको देखने से मैंने तो देखा है कि एक दो पॉइंट तो ज़्यादा आते हैं लास्ट में, तो ऐसा आप लोग कर सकते हो। और जब भी आप लोग ये करते हो ना, तो आप लोग को पहले से अपने जो स्ट्रेंथ के होते हैं ना, वही चूज करना, क्योंकि आप लोग इंस्टेंट मतलब ट्रांसफर हो सकते हो, जिससे आप लोग वे स्क्वाड रश कर रही होगी ना, तो आप लोग इंस्टेंट दूसरे अपने जो एनिमी ना उसके पास जा सकते हो, तो आप लोग को उधर माइनस जलाने पड़ेगा। और सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ना ये अपडेट है ना, इसमें आप लोग ना जो अपना लेज़र होता है ना, उससे दूर रहिए। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अपने मैंने देखा है पहली दीवार से तो वो आर पार हो जाते हैं, लेकिन दो से तीन दीवार होगी ना तो आर पार नहीं होती। इसलिए जो भी वो मारने के लिए ट्राई करेगा ना, तो पहले वो उसको ओपन में आना पड़ेगा ना, तो उस वक्त आप लोग मार सकते हो या उससे दूर जा सकते हो, तो ये काम आप लोग कर सकते हो। तो भाई, आप लोगों को ना कॉन्करर पुश करने के लिए और एक ज़्यादा से ज़्यादा आसान होने के लिए आप लोगों को पबजी वाले ना ये फुल टावर दे दिया है, जो क्या आता है अपना गुटका या गाटका भी बोल सकते हो, लेकिन उस पर थूकना नहीं है। तो ये अपना जो खंभा होता है ना, वो वाला खंभा नहीं, ये पबजी वाले ने दिया है वो खंभा, उस पर आप लोग जब आओगे ना तो उस पर ऊपर जाने का। अगर लोग आप लोग ऊपर जाओगे ना, तो आप लोग उधर जाके कैंप भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को उधर कोई नहीं मार सकता, ना ही ग्रेनेड से मार सकता है, ना ही हाथ से मार सकता है, ना ही गन से मार सकता है, तो आप लोग को उधर लूट भी बहुत सारी मिल सकती है और आप लोग सेफ भी रहोगे। जब भी जोन आएगा तो आप लोग को उधर से निकल के जाना पड़ेगा, तो आप लोग कैप्सूल कार भी लेके उधर जा सकते हो, ताकि नीचे आओगे तो कार नहीं ढूंढनी पड़ेगी, तो कैप्सूल कार लेके जा सकते हो। और इससे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग कॉन्करर जब भी पुश करते हो ना, तो आप लोग की गाड़ी इधर उधर कहाँ भी जाके फोड़ देते हो यार, तो इससे पहले आप लोगों को मैं बताऊँगा कि अपनी रेगुलर कार बगिया वगैरह वो तो ले ही, लेकिन कैप्सूल कार भी लो, जिससे आप लोग को जब भी अपनी जो एनिमी है ना अपनी कार फोड़ देते हो ना, तो आप लोग कैप्सूल कार की मदद से आप लोग जोन में जा सकते हो और चिकन डिनर लेके आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्लस मिल सकता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कब रश करना है और कब चुप के बैठना है। तो आप लोगों में मैं पहले बताऊंगा कि आप लोग जब भी उतरोगे ना, तो उधर इधर आसपास उतरो, जाके एनिमी ना हो, और आप दो एक दो बॉट मार के रुक सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो फाइट है ना उसको लेना नहीं, आप लोग को थोड़ा चुप के बैठना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस होगा, और उससे आप लोग को पता चलेगा कॉन्करर में क्या क्या करना है। और उससे पहले आप लोग को बताऊंगा कि जब भी आप फाइट लेते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना दो या तीन बंदे फाइट लो और एक बंदे को दूसरी जगह भेजो, क्योंकि जब भी आप लोग मरोगे तो उसको रिकॉल करने के लिए आसानी हो सकती है और आप लोग को माइनस भी नहीं बैठेगा। और जब भी आप लोग मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग को खुजले ना रश करने की, तो आप लोग क्या कर सकते हो,
पहले जो रिकॉल का आप लोग ऑप्शन होते ना, तो उसमें जाके कितना चाहिए उतना रश करके खेलो, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा किल भी मिलेंगे, उससे प्लस भी ज़्यादा होगा। और उसके बाद जब आप लोग रिस्पॉन हो, मतलब रिकॉल होकर आ जाओगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफली खेलो, ताकि आप लोग को कोई मार नहीं सकेगा। अगर मार सकेगा तो आप लोग तो गए, तो आप लोग को माइनस बैठेगा, इसलिए उसके बाद आप लोग सेफ में खेलो। जब भी आप लोग ना मतलब टॉप में पहुंच जाते हो ना, मतलब आप लोग का रैंकिंग शो होने लगता है ना, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोन के बाहर रह के खेलो। क्योंकि जो मैंने देखा है, जब भी रैंक में आ जाते हैं ना, तो हैकर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं यार। तो इसलिए आप लोग का क्या करना पड़ेगा, जोन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लूट लो, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ टिकट लो, और उसके बाद ना आप लोग को जोन के बाहर रह के हीलिंग वगैरह करके उधर छुपना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग जोन में रहोगे ना, तो हैकर आप लोग को इधर से उधर कब मारेगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। और जो आते हैं अपने लास्ट में, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कब खेलते हो, तो आप लोगों को मैं बताऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने नाइट के बाद खेलो, ताकि ज़्यादा आप लोग सोचो, जो हैकर है, जो कि हैकर लगा के खेल रहा है, तो वो कब खेलेगा, दिन में खेलेगा ना, क्योंकि उसके पास तो हैक है ना, तो दिन में खेलेगा, रात में थोड़ी खेलेगा। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ना नाइट के बाद खेलो, 10 बजे के बाद खेलो, आप लोग को 10 बजे के बाद खेलेंगे ना, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हैकर नहीं आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉट आएंगे। मैंने देखा है, जब भी मैं रात को खेलता हूँ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर नहीं होते, इसलिए करप्टन वाले जो बीजेएमआई वाले हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉट भेज देते, तो आप लोग को किल भी मिलेगा, आप लोग को माइनस भी जलाने पड़ेगा, और आप लोग कॉन्करर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पुश कर सकते हो। और आप लोग को एक बात बताऊंगा, जितना ज़्यादा गेम खेल सकते हो ना, उतना ज़्यादा खेलो, और जितना ज़्यादा आप लोग गेम खेलोगे उतना ही ज़्यादा प्लस मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप लोग को कॉन्करर पुश करोगे ना, तो आप लोग को उतना आसान होगा, नहीं तो बाद में ना बहुत सारे लोंडे आ जाते हैं यार, बहुत सारे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलो और जल्दी पहुँच जाओ कॉन्करर। जब भी आप लोग लास्ट में जाते हो ना, तो आप लोग को पहली चीज़ ध्यान में रखनी होगी, आप लोग को सिर्फ एक या दो ही हाउस होगे ना, तो उधर ही कूदने आए, नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा माइनस, गंदा वाला माइनस बैठेगा, और आप लोग को प्लस करना होगा ना, तो एक दिन का वो पूरा माइनस निकल जाएगा। तो इसलिए आप लोग एक या दो हाउस होगे ना, तो उधर ही कूद जाओ, और जोन में लास्ट में बाहर ही रहने का, नहीं तो अंदर होगा तो किधर से किधर वो पेल के जाएगा हैकर, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद आप लोग को बताऊंगा, और किस चीज़ की कमी रह गई तो बता देना, और किस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने नूब क्रिमिनल को ना उसको भेज देना यार, वो भी कॉन्करर पुश कर लेगा। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।